हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने सप्लाई चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन सप्लाई। अब स्टूडेंट, वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता है, वेरिएशन इन सप्लाई किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, जब भी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस होता है बिकॉज ऑफ उसके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से, याद रखिए स्टूडेंट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस होता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हुए हैं। वेयर एज जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हुआ और उस वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस हुआ, तो उसे कहा जाता है वेरिएशन इन सप्लाई, जो आपके उस मीनिंग पार्ट में भी आपको सिखाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ कहा है व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेराइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस इन इट्स प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई। तो हम इसे वेरिएशन इन सप्लाई कहते हैं। अब वेरिएशन इन सप्लाई दो तरह की होती है। पहली कैटेगरी का नाम है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अब ये क्या होती है या एक्सपांशन ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, जब आप ये देखें कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, मतलब सेलर ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट के प्राइस भी राइज हो गए हैं। तो प्रोडक्ट के प्राइस राइज होते वक्त, ओके, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने की वजह से अगर सेलर क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा दे, अपने पास से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करे, तो हम इसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। वेयर एज अदर फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता। और जब ये एक्सपांशन होता है स्टूडेंट, तो हमें ये जो मूवमेंट देखने में मिलता है ओरिजिनल पॉइंट और न्यू पॉइंट के बीच में, वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। अब इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई को दिखाने के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पर वहाँ पर हमें क्वांटिटी सप्लाइड को शो किया गया। स्टूडेंट्स, आप देखिए पहले ओ से लेके पी और ओ से लेके क्यू, जो ओरिजिनल क्वांटिटी, जहाँ पर एम पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल पॉइंट। वेयर एज जब प्राइस ओ पी, ओ से लेके पी वन तक चला गया, मतलब बढ़ गया, ओ पी से ओ पी वन बढ़ गया, और तो क्वांटिटी सप्लाई भी सेलर ने बढ़ा दी क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, तो ओ क्यू से उसने भी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया ओ क्यू वन तक, और जो उनके पॉइंट्स मिला उस पॉइंट का नाम है पॉइंट एन, और उस पॉइंट एन को अगर हम ले लें और कंपेयर करें तो ये पॉइंट एम यानी ओरिजिनल पॉइंट के अपवर्ड मूवमेंट पर है, एंड इट इज शोइंग एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई कब होता है आपको ये समझ लेना है, जब प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़े, क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है। वेयर एज अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, आप इसे नाम देते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, जिसका नाम यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का। आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या बताया जा रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेलर्स कम कर दे, उसकी सप्लाई को कम कर दे, क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, उस प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया, तो प्राइस फॉल हो जाने की वजह से अगर सेलर अपने क्वांटिटी सप्लाई को कम कर दे, वो कम क्वांटिटी में गुड्स को बेचे, तो इसे बेचे सेल करे, तो इसे नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जब होता है तो जो मूवमेंट होता है पॉइंट का, तो वो ओरिजिनल पॉइंट से डाउनवर्ड की तरफ होता है, नीचे की तरफ बनता है, जो ये शो करता है कि आपकी जो सप्लाई है सेलर की, वो सेलर की सप्लाई कम हुई है कॉन्ट्रैक्ट। उसको समझने के लिए आपके सामने डायग्राम है, आप देखिए y एक्सिस पे प्राइस को दिखाया, x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, ओरिजिनल पॉइंट op और oq से जो n का पॉइंट मिला आप डायग्राम में देखिए, लेकिन फिर प्राइस कम हुआ और वो op2 पे आ गया, क्वांटिटी भी कम हुई, सेलर ने कम क्वांटिटी में अब माल बेचना शुरू किया, तो वो oq2 पे आ गया और उनका जो पॉइंट बना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो m का है, तो आप देखिए ओरिजिनल पॉइंट एन के नंबर में एम नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई है, वो कम हो गई। अब स्टूडेंट, ये तो बात हो गई वेरिएशन के पार्ट्स की। आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है चेंजेस इन सप्लाई का। चेंजेस इन सप्लाई का क्या मतलब होता है, चेंजेस इन सप्लाई किसे कहते हैं? स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, जब भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में चेंजेस आए, प्रोडक्ट की सप्लाई बदल जाए, प्रोडक्ट की सप्लाई चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर चेंजेस, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुए, चेंजेस जो आए हैं अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर्स मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर उनमें चेंजेस आने की वजह से सप्लाई चेंज हो जाए, वेयर एज प्राइस कॉन्स्टेंट रहे,
प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, प्राइस जितना था उतना ही है, लेकिन बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर सप्लाई चेंज हो जाए तो इसे नाम दिया जाता है चेंजेस इन सप्लाई का। अगर हम इसकी बात करें तो इसे दो कैटेगरी में रखा गया है स्टूडेंट, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई के पार्ट को जो आपके स्क्रीन पर है। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जब आप ये देखो कि आपके लिए जो अदर फैक्टर्स हैं यानी सेलर्स के लिए अदर फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं, और बिकॉज ऑफ दैट यानी अदर फैक्टर्स फेवरेबल होने की वजह से सेलर अपनी सप्लाई को बढ़ा दे, अपने सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा करे एट द सेम प्राइस, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों, प्राइस जितना था प्राइस उतना ही है, लेकिन अदर फैक्टर्स क्योंकि फेवरेबल थे जिसके वजह से हमारे सेलर ने अपनी जो क्वांटिटी सप्लाई करने की क्वांटिटी उसको राइज कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो सेम प्राइस पर अदर फैक्टर्स के फेवरेबल होने की वजह से अगर सेलर अपने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को बढ़ा दे तो इसे नाम दिया जाता है इंक्रीज इन सप्लाई का। अब जब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे स्टूडेंट्स डायग्राम बनाया जाता है तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व, जो ओरिजिनल वो SS है, आप देख सकते हैं डायग्राम में SS कर्व, जबकि जो नया कर्व बना है S1 का आपकी आंखों के सामने है वो राइट हैंड साइड पे बना है। राइट हैंड साइड का मतलब ये शो कर रहा है कि आपकी सप्लाई जो वो इंक्रीज हुई है, आपकी सप्लाई सेम प्राइस पे बढ़ी है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स फेवरेबल हैं आपके लिए और इस वजह से आपके सेलर की सप्लाई बढ़ पाई। आगे बढ़ूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पार्ट दिखेगा डिक्रीज इन सप्लाई का। अब डिक्रीज इन सप्लाई कब होगी, तो याद रखिए बच्चों जब अदर फैक्टर्स आपके लिए अनफेवरेबल हों, अदर फैक्टर्स आपके लिए बेटर ना हो, यानी आप सेलर्स हैं और सेलर्स के लिए अगर वो अदर फैक्टर्स फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करें, तो सेम प्राइस पर आप अपने क्वांटिटी की सप्लाई कम कर देते हो, सेलर कम माल बेचता है, सेलर कम माल मार्केट में सेल ऑफ करता है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। यानी प्रोडक्ट का प्राइस सेम है लेकिन अदर फैक्टर्स जो थे वो अनफेवरेबल हो गए, मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे लिए अच्छी नहीं हुई, मे बी टैक्स रेट्स लगा दिए गए, मे बी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी वो बेटर नहीं थी, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, व्हाटएवर हो सकता है जो भी, तो हम देखें इसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई का। अब डिक्रीज इन सप्लाई में जो सप्लाई का हुआ है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं SS हमारा मेन सप्लाई का और वो शिफ्ट होकर S2 पे गया जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है, तो ये शो कर रहा है या आपसे बता रहा है या आपको बता रहा है कि आपकी सप्लाई जो वो डिक्रीज हो गई है, आपकी सप्लाई पीछे की तरफ चली गई। तो यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपके वेरिएशन इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई के पार्ट्स कंप्लीट हो गए। वेरिएशन में आपने दो पार्ट सीखा, एक्सपांशन इन सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, वेर एज आपने चेंजेस इन डिमांड में जो पार्ट डिस्कस किया, चेंजेस इन सप्लाई में जो पार्ट सीखा वो है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप सबसे यही कहूँगा आप इसे अच्छे से समझ लें, वीडियो को समझ लें, सुन लें, कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लें, और कोई डाउट नहीं है तो अच्छे से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें, क्लियर करते रहें। आज का लेक्चर यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए और अपने क्रिएटर को हमेशा याद करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।